हेलो ऑल डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मेडिटेशन इन वर्क करते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक टॉपिक है स्पिरिचुअल ईगो। कई जगह आपने सुना होगा ये स्पिरिचुअल ईगो। क्या होता है ये स्पिरिचुअल ईगो और क्या स्पिरिचुअल ईगो जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और क्या जहाँ स्पिरिचुअलिटी होगी क्या वहाँ ईगो हो सकता है, और जहाँ ईगो होगी वहाँ स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, जहाँ आध्यात्मिकता होगा वहाँ अहंकार हो सकता है क्या, या फिर जहाँ अहंकार होगा क्या वहाँ आध्यात्मिकता रह सकती है? नहीं फ्रेंड्स, सो स्पिरिचुअल ईगो ये कहीं से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैंने कई सारे टॉपिक सुने हैं, सब लोग अपनी अपनी समझ से बताते हैं। हालांकि मेरे चैनल ज़्यादा लोग देखते नहीं मुझे, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि अगर 10 लोग ही आ रहे हैं और 10 लोग ही सुन रहे हैं तो उनकी समझ में आए जितना मुझे समझ है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया और जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ईगो हो सकता है आपके अंदर, आपके अंदर सुंदरता का अहंकार हो सकता है, आपके अंदर धन वैभव का हो सकता है, नाम शोहरत का हो सकता है, इज्जत प्रतिष्ठा का हो सकता है, आप पढ़ने में अच्छे हैं इसका आपको ईगो हो सकता है, आप अच्छे बड़े खानदान से हैं किसी बिजनेस क्लास फैमिली से तो फिर आपके अंदर अहंकार हो सकता है, आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है हम मान लेते हैं वहाँ अहंकार है, आप जॉब कर रहे हो अच्छा इसका भी अहंकार हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता का अहंकार से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा। जो इंसान आध्यात्मिक है वो उसके अंदर अहंकार या घमंड जैसी चीज़ें हो ही नहीं सकती अगर वो रियल में आध्यात्मिक है तो। और अगर उसके अंदर अहंकार है, ईगो है, तो इसका मतलब वो सिर्फ दिखावे की आध्यात्मिकता कर रहा है। इन दोनों का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता से बहुत अलग है। अगर आप सही मायने में एक आध्यात्मिक पर्सन है, अपने आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो आपके अंदर कैसे आ सकता है ईगो, अहंकार? कि आध्यात्मिकता का मतलब ही आप अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने सोल को समझ रहे हैं, और जब आप अपने सोल को समझते हैं तो आप वर्नेस में आते हैं, आप एकाकार होते हैं उस ईश्वर से, परमात्मा से, और आप इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हम सब एक ही मूल तत्व से निकले हुए हैं, हम जहाँ से आए हैं हम सब एक ही परमात्मा के से निकले हुए कण हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट हुआ है, हम बॉडीज़ हैं इतनी सारी, लेकिन जो सोर्स है हमारे आने का वो तो एक है, तो हम सब एक है ना। तो जो इंसान स्पिरिचुअलिटी को समझ गया, आध्यात्मिकता को समझ गया, वो जानता है कि हम सब एक ही हैं, वो वननेस में आता है, तो फिर वो दूसरों से किस बात का रखेगा? और जहाँ तक बात है ये कि लोग समझते हैं कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ये बिहेव कर दिया, वो अभी उस स्टेज में है, वो अभी आध्यात्मिकता का नाम नहीं जानता, वो अभी आध्यात्म से कनेक्ट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई वो वैसे रिएक्ट कर रहा है। तो आध्यात्मिकता जहाँ, चलो मान लेते हैं किसी ने हमें, अब मैं ये नहीं कहती कि कोई अगर आपको आए 10 बातें सुना दे या फिर आपको 10 गालियाँ दे के चला जाए तो आप उनसे कनेक्ट होइए, या फिर आप अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ के बार बार उसके पीछे भागे, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई फ्रेंड्स हो, कोई अपने भी हो सकते हैं, कोई पराए भी हो सकते हैं जिन्हें आप कहते हो, हालांकि अपना पराया जैसा कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी कहने के लिए, तो आप, मैंने कहती आप उनके पास जाओ, लेकिन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी उस इंसान का वो इंसान उस एनर्जी में है और उसे अभी ग्रोथ करने की ज़रूरत है, तो आपको उनसे कनेक्शन में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अंदर से क्या, आत्मा से क्या, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपको एक्सेप्ट किया आप जैसे भी हो, एंड उसके लिए हमारे मन में कोई कुछ भावना हो ही नहीं सकती नेगेटिव अगर हम आध्यात्मिक हैं तो, बिकॉज तब पता होता है कि अभी उसकी अपनी जर्नी चल रही है, हर इंसान हर सोल अपनी जर्नी के अलग लेवल पे हैं, वो उनकी भी कभी ऐसी जर्नी की शुरुआत होगी, चाहे वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, उसके अगले जन्म में हो,
तो अभी वो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं कि अभी उनको ऐसी लाइफ जीनी है। जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे तो फिर वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो जो लोग कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, उन्हें सीखने की ज़रूरत है। तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं कि हमें समझना चाहिए कि अभी वो इंसान उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके आया है और उसकी अभी यही जर्नी है। तो इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कोई माँ या पिता अपने बच्चे को करते हैं। लेकिन हाँ, हम उनके पास जाएंगे नहीं, हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे उनसे। लेकिन अगर वो आए तो हमें अपने अच्छे बिहेव के साथ उनका वेलकम करना चाहिए, उनसे बातें करना चाहिए। इतना ज़रूर कहना चाहूँगी। तो हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं। ये जो प्लैनेट है हमारा मदर अर्थ, यही एक स्कूल की तरह है। जैसे हमारा स्कूल होता है ना, जहाँ हम जाते हैं सीखने, तो ये वही प्लेस है। और हम यहाँ सीखने आते हैं, वो सोल्स भी सीखने आते हैं जो अभी स्पिरिचुअलिटी को नहीं जानते हैं, जो जान रहे हैं वो भी सिर्फ सीख ही रहे हैं। और हम देखेंगे, हम पाएंगे कि हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं। मेरे में भी बहुत सारी कमियाँ थी और बहुत कुछ ही भी, जो कहीं ना कहीं हर दिन सरफेस पे आता है और हर दिन कुछ नया मैं सीखती हूँ। फिर वहाँ से कुछ, हर दिन हम एक बेटर वर्जन में बनते हैं। सो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, समझने के लिए थैंक यू। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।